दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा का समय आ गया है। 30 मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं को नकल रहित कराने के लिए शिक्षा विभाग ने पुलिस प्रशासन से भी मदद मांगी है, साथ ही एडीजीपी को भी पत्र लिखा है। ये रिपोर्ट देखिए। मार्च से 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं को नकल रहित करने के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने कुछ खास तैयारियां की हैं। साथ ही परीक्षा सुपरिटेंडेंट की टीमों को भी सेंटरों पर भेज दिया गया है, जो सेंटर पर परीक्षा से पहले मुआयना ना करेंगी। 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हो रही है, 30 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक 12वीं परीक्षा है और 31 मार्च से 20 अप्रैल तक 10वीं की परीक्षा है। उसमें 6,68,000 के आसपास विद्यार्थी परीक्षा देंगे और उन सब परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर, प्रत्येक जिला केंद्र पर हमारे पर्सन पार्टियां पहुंच चुकी हैं और 1-4 की पुलिस फोर्स की गार्ड में सुरक्षित रख दी गई हैं। और सभी पूरे हरियाणा भर में सभी केंद्रों के सेंटर सुपरिटेंडेंट को आज उनकी जिम्मेवारियों के साथ उनका बस्ता उनको सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी शिक्षा विभाग की इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं, जो परीक्षा केंद्रों के बाहर गतिविधियों पर नजर रखते हैं। 12वीं की परीक्षा 30 मार्च से 27 अप्रैल तक होगी। 10वीं की परीक्षा 31 मार्च से 20 अप्रैल तक होगी। 40 नंबर के MCQ प्रश्न होंगे, 40 नंबर के सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। विद्यार्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना होगा। परीक्षा में किसी भी तरह की नकल ना हो सके, इसके लिए सभी फ्लाइंग के सदस्यों को विशेष तौर पर हिदायतें दी गई हैं। बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों की जो विशेष प्रकार के उड़न दस्ते बनाए जाते हैं, जिसको STF और RAF बोलते हैं, हमारे 7 कंट्रोल रूम हमने पूरे हरियाणा भर में बनाए हैं। उन 7 कंट्रोल रूम पर STF रहती है और जो स्टेट पे बोर्ड की तरफ से जाती है उसको वो RAF बोलते हैं। उस प्रकार के हमारे बोर्ड के अधिकारी कर्मचारियों की आज ये मीटिंग ली गई है, उसमें सबको दिशा निर्देश दिए गए कि किस प्रकार से के प्रभावी ढंग से कार्य करना है और उसमें बच्चों का समय भी बर्बाद ना हो, सेंटर का भी समय बर्बाद ना हो, उस बातों को ध्यान रखते हुए, लेकिन नकल करने वालों को नहीं छोड़ना है, उस बात की हिदायत इन सबको दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों के लिए भी कुछ विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत विद्यार्थियों को 12 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर एग्जाम के दौरान सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। परीक्षा में किसी भी तरह की नकल ना हो सके, इसके लिए शिक्षा विभाग ने ADGP को पत्र लिखा है। साथ ही सभी DC और SP को भी पत्र लिखकर नकल रहित परीक्षा कराने के लिए मदद मांगी है। महोदय को, सभी SP साहिबान को हमने बोर्ड की तरफ से पत्र भी लिखे हैं कि धारा 144 लगाई जानी है और जो फोटो स्टेट की दुकानें हैं उनको सील किया जाना है और प्रत्येक के बाहर धारा 140 भी लगेगी। उसके लिए भी हमने ADGP साहब को भी पत्र लिखा है और उनकी तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सख्त पहरे में होंगी। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की नकल को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं। देखना होगा कि नकल को रोकने के लिए उठाए गए कदम कितने कारगर साबित होते हैं। भिवानी से हरियाणा न्यूज के लिए सुमित।